हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं क्लास 11 के चैप्टर 1 जीव जगत के एमसीक्यू क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। प्रश्न एक आईसीबीएन प्रदर्शित करता है। ए इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बॉटनिकल नेचर, बी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, सी इंडियन कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। प्रश्न दो टैक्सॉन किसे कहते हैं। ए समान जातियों का समूह, बी वर्गीय हायरार्की पदानुक्रम में कोई भी श्रेणी, सी समान वंशों का समूह, डी जगत का उपर। आपका सही उत्तर है बी वर्गीय हायरार्की पदानुक्रम में कोई। प्रश्न तीन सबसे छोटा टैक्सॉन कहलाता है। ए वर्ग, बी ऑर्डर, सी जाति, डी वंश। आपका सही उत्तर है सी जाति। प्रश्न चार टैक्सोनॉमी का पितामह किसे माना जाता है। ए तख्ताजन, बी लीनियस, सी बेंथम तथा हुकर, डी थियोफ्रास्ट्स। आपका सही उत्तर है बी लीनियस। प्रश्न पांच द्विनामकरण का अर्थ है जीवों का नाम दो शब्दों में लिखना होता है, वे हैं ए जीन वंश और जाति, बी स्पीशीज और वैरायटी फैमिली, सी फैमिली और जीनस, डी ऑर्डर और फैमिली। आपका सही उत्तर है ए जीन वंश और जाति। प्रश्न छह आपस में संबंधित वंशों का समूह कहलाता है। ए कुल, बी संघ, सी ऑर्डर, डी वर्ग। आपका सही उत्तर है ए कुल। प्रश्न सात जब जीव समान वर्ग में हो किंतु समान कुल में न हो तब किस वर्ग की शब्द का प्रयोग करेंगे। ए ऑर्डर, बी जीनस, सी जाति, डी कुल। आपका सही उत्तर है डी कुल। प्रश्न आठ जीव के जूलॉजिकल नाम में प्रथम शब्द होगा ए जेनेरिक नाम का, बी स्पेसिफिक नाम का, सी ऑर्डर के नाम का, डी कुल के नाम का। आपका सही उत्तर है ए जेनेरिक नाम का। प्रश्न नौ घरेलू मक्खी वैज्ञानिक नाम क्या है। ए पेंथेरा टिग्रिस, बी फेलिस कैट्स, सी मस्का डोमेस्टिका, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी मस्का डोमेस्टिका। प्रश्न 10 जाति का मेयर्स बायोलॉजिकल संकल्पना मुख्य रूप से आधारित होता है ए आकारिकी लक्षणों पर, बी प्रजनन के तरीकों पर,
सी प्रजनात्मक पृथक्करण पर, डी आकारिकी तथा प्रजनन पर। आपका सही उत्तर है सी प्रजनात्मक पृथक्करण पर। प्रश्न 11, जाति की सबसे अच्छी परिभाषा होती है। अ, जंतुओं का समूह जो साथ साथ जीवित रह सकता है। बी, जंतुओं पौधे जो कि अंतराप्रजनन इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। सी, जंतुओं पौधे जो कि अंतराप्रजनन इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते हैं। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी, जंतुओं पौधे जो कि अंतराप्रजनन इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। प्रश्न 12, स्पीशीज शब्द किसके द्वारा दिया गया है। ए, अरस्तु। बी, अगला। सी, जॉन रे। डी, लीनियस। आपका सही उत्तर है सी, जॉन रे। प्रश्न 13, निम्न में से किसमें जीवों की बड़ी संख्या होती। ए, वंश। बी, संघ। सी, कुल। डी, वर्ग। आपका सही उत्तर है बी, संघ। प्रश्न 14, निम्न में से कौन सा सही पदानुक्रम हायरार्की है। ए, जगत। संघ, वर्ग, ऑर्डर। कुल, वंश, जाति। बी, जगत, संघ, वर्ग, कुल, ऑर्डर, वंश, जाति। सी, डिवीजन, वर्ग, जगत, ऑर्डर, जाति, कुल। डी, डिवीजन, जगत, कुल, वर्ग, ऑर्डर, जाति। आपका सही उत्तर है ए, जगत, संघ, वर्ग, ऑर्डर, कुल, वंश, जाति। प्रश्न 15, मानव का गण क्या है। ए, पोएल्स। बी, डिप्टेरा। सी, प्राइमेट। डी, सेपिंडेल्स। आपका सही उत्तर है सी, प्राइमेट। प्रश्न 16, किस पुस्तक में द्विनामकरण का उपयोग प्रथम बार किया गया। अ, हिस्टोरी नेचुरेली। बी, सिस्टेमा नेचुरी। सी, हिस्टोरिया नेचुरेलिस। डी, हिस्टोरिया प्लांटेरम। आपका सही उत्तर है बी, सिस्टेमा नेचुरी। प्रश्न 17, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। ए, मस्का डोमेस्टिका। बी, पेवो क्रिस्टेट्स। सी, राना टिग्रीना। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी, पेवो क्रिस्टेट्स। प्रश्न 18, जंतुओं की प्राकृतिक प्रजननीय जनसंख्या जो कि समान होती है को क्या कहते हैं। अ, कुल। बी, वंश। सी, जाति। डी, वैरायटी। आपका सही उत्तर है सी, जाति। प्रश्न 19, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। ए, मेंजीफेरा इंडिका। बी, ट्रीटिकम एस्टिवम। सी, सोलेनम मेलोजेना। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं।
आपका सही उत्तर है ए मेंजीफेरा इंडिका। प्रश्न 20 वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है ए जंतुओं को स्थापित करना, बी विकास की वास्तविकता का अध्ययन करना, सी संबंध स्थापित करना, डी जंतुओं के पर्यावरण का अध्ययन करना। आपका सही उत्तर है सी संबंध स्थापित करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।